माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। और आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक रिव्यू वीडियो। और वो जो प्रोडक्ट है हमारा वो है इनवेदा का सनस्क्रीन। तो सभी लोग जानते हैं कि समर्स आ चुके हैं और समर्स में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती हैं स्किन की प्रॉब्लम्स। बहुत होती हैं, सन टैनिंग होता है जब हम लोग बाहर निकलते हैं धूप में, तो वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। और अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है उनसे हमारी जो स्किन है उस पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो उसके लिए हम लोगों को ज़रूरत होती है एक अच्छे सनस्क्रीन की। तो अब आप बात आती है सनस्क्रीन की, तो सनस्क्रीन में क्या होता है कि बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं। और जो मेरा खुद का मानना है, तो मैं हमेशा ऐसे प्रोडक्ट्स जो है यूज़ करना पसंद करती हूँ जिनमें जो केमिकल्स हैं वो बहुत ही लेस हों। क्योंकि जितना बहुत सारे हम अपनी रोज डेली की लाइफ में बहुत सारे केमिकल्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं और हमें करने पड़ते हैं, तो कम से कम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम अगर बिना केमिकल्स के चीज़ों को यूज़ करें तो वो बहुत ही बेस्ट रहेगा हमारे लिए। तो उसके लिए बेस्ट ब्रांड है हमारा इनवेदा। इनवेदा एक इंडियन आयुर्वेदिक ब्रांड है और इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं गाइज वो बेस्ट होते हैं हमारी स्किन के लिए। मैं जो क्रीम यूज़ करती हूँ अपने फेस के लिए, मैं वो भी इनवेदा की ही यूज़ करती हूँ। और जो सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ मैं वो भी इनवेदा का यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा है, तो मुझे लगा कि इसका रिव्यू मुझे आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए। तो ये जो हमारा सनस्क्रीन है ये है क्रीम जेल बेस, तो ये एक जेल बेस सनस्क्रीन है। एंड ये है हमारा SPF 50 है, PA++ है, फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। तो ये सभी स्किन टाइप्स के लिए है, चाहे किसी की ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, मिक्स स्किन है, मिक्स मैच स्किन है, वट एवर, तो ये सबके लिए सूटेबल है। और उसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है जो मेरे लिए सबसे ऊपर है वो है पैराबेंस फ्री। तो यहाँ पर नीचे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये पैराबेन फ्री है, तो ये पैराबेन फ्री है। और जो पैराबेन फ्री जो भी फॉर्मूलाज होते हैं वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग की। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है इसकी 4/17 की है और इसकी एक्सपायरी है 3/20। और इस पर लिखा हुआ है यूज बिफोर 36 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो मतलब टाइम बहुत ही इनफ है, इजीली हम लोग इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं इतने टाइम तक। और जो इसकी MRP है वो है 275 रुपीज़, तो इसकी MRP भी अच्छी है, 275 रुपीज़ आई थिंक तो इनफ है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर इन लोगों ने मेंशन किया हुआ है इसमें जो ये जेल बेस क्रीम है फॉर ऑल स्किन टाइप्स है एंड नॉन स्वेटिंग। ये जो फॉर्मूला है गाइज ये एक नॉन स्वेटिंग एंड प्रोटेक्ट्स स्किन फ्रॉम UVA एंड UVB रेज। तो इसको यूज करने के बाद एक तो आपको स्वेटिंग नहीं फील होगी बिल्कुल भी, और उसके बाद ये UVA और UVB जो रेज होती हैं उनसे हमारी स्किन को जो है प्रोटेक्ट करता है फॉर लॉन्गर टाइम। लॉन्गर टाइम इट मीन्स आप इसको लगाने के बाद मॉर्निंग में ये आपका ईजिली शाम तक ये आपका चलेगा। देन प्रिवेंट्स फ्रॉम टैनिंग एंड प्री एजिंग ऑफ स्किन, टैनिंग से हमको प्रिवेंट करता है। देन स्प्रेड ईजिली एंड डज नॉट फील स्टिकी और अनकम्फर्टेबल। तो जो स्वेटिंग होती है वो तभी होती है जब हमको अपने स्किन पर कोई चीज़ जो है स्टिकी लगती है, तो ये जो फॉर्मूला है ये स्टिकी बिल्कुल भी नहीं लगता है, तो इसलिए ये अनकम्फर्टेबल भी फील नहीं होता और ना ही हमको स्वेटिंग होती है। और उसके बाद इसके ऊपर लिखा हुआ है हाउ टू यूज, तो अप्लाई इट लिबरली ऑन फेस, नेक, फीट एंड हैंड्स अ फ्यू मिनट्स बिफोर स्टेपिंग आउट इन सन और हीट। तो जब आप लोग घर से बाहर जाने वाले हों उससे पहले आप इसे अपने फेस पर, नेक पर और हैंड्स पर और अपने फीट पर अप्लाई करें, और उसके बाद सन टैनिंग की दिक्कत को बिल्कुल भूल जाएं। और उसके बाद अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसे ओपन करके कि अंदर से इसका टेक्सचर कैसा है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और सबसे पहले तो ये है इसकी ट्यूब पैकेजिंग, और इनकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, गोल्डन कैप में है और 275 रुपीज़ में 50 ml फॉर्मूला आई थिंक काफ़ी है। आप देख सकते हैं ट्यूब भी काफ़ी बड़ी है। और उसके बाद ये है सनस्क्रीन, जब आप इसे यूज करेंगे इस तरीके से स्मेल बहुत ही अच्छी है, बहुत लाइट सी स्मेल है। और अब मैं आपको इसको यूज करके
आई मीन इसको स्प्रेड करके दिखाती हूँ, तो ये देखिए वाओ, ये सारी जो है स्किन में बहुत ही अच्छे से स्प्रेड हो गया है और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं लग रहा है। और जैसे जैसे अभी इसको थोड़ा सा हम छोड़ेंगे, देखिए और भी ज़्यादा अच्छे से स्मूथ स्किन जो है हो गई है, तो बहुत ही इजीली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है गाइस। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो जो है पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।